Everyone, my name is Tanvi Rahman. I welcome you all for the today online learning class. The topic of discussion is Class Eight, Chapter Five: Combustion and Flame. In this chapter, we will learn about the combustion, fire extinguisher, different kind of fuel, and their efficiency and the burning of a fuel. These four things we will going to learn in this chapter. Before I'm going to सपोर्ट उट चैप्टर आई वुड लाइक वैक गिव एग्जांपल ऑफ योर डेली लाइफ क्या आपने देखा है किसी चीज को जलते हुए अगर मैं बात करूं लकड़ी को जलते हुए देखा या फिर आप किसी गैस को जलते हुए देखा है या किसी भी कैंडल को जलते हुए देखा होगा तो उसके रीजन कभी ढूंढने का कोशिश की हो आपने नहीं किया तो बहुत तो अच्छी बात है नहीं किया हो तो मैं आपको आज इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा

डजन कैच फायर इजली इनके पीछे भी क्या रीज़न है इसके बारे में जानेंगे कोल्ड डजन बर्न विद ए फ्लेम बट बिकम रेड हॉट एंड गिव हीट अंदर लाइट बोथ क्या देती है वो हीट एंड लाइट बोथ देती है कुछ कुछ ऐसे सबस्टैंड है जो बर्निंग सब्सटैंड है कम्बस्टेबल सब्सटैंड ऐसे हैं जो कि हीट देती है कोई कुछ, कुछ देती है फ्लेम देती हैं मैग्नीशियम रिपन बर्न विद ए वेरी ब्राइट वाइट लाइट वेराज एल पी जी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बर्न विद ए ब्लू फ्लेम वट द रीजन बिहें सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ बर्निंग द काइंड ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बर्निंग द रोल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फूल इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ठीक है यहाँ पे सीखेंगे हम लोग कंबर्शन या बर्निंग कैसे होती है उसके बाद ये भी सीखेंगे कि जिसमें बर्निंग होगी तो किसमें फ्लेम होगा किस में फ्लेम नहीं होगा ठीक है ना फ्यूल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल के बारे में भी जानेंगे फ्यूल आर यूजिंग यूज इन द डे टू डे लाइफ फॉर अ वेरियस एक्टिविटी लाइक कुकिंग रनिंग ऑटोमोबाइल्स इन द फैक्ट्री एंड फॉर मैनी अदर पर्पज अदर पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है द कॉमन यूज ऑफ फ्यूल आर कोल है वुड है पेट्रोल है एंड सी एन जी एस एल पी जी है रूरल एरिया कॉर्डंग क्लास है ना केक्स आर ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल तो उसको बर्निंग के लिए हम लोग को फूएल की जरूरत पड़ती है दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फूएल्स विच इज यूज फॉर द कम्बशन ऑफ फॉर द कम्बस्टन ठीक है ना तो अब आते हैं सबसे पहले कि कम्बस्शन होती है क्या वॉट इज द मीनिंग ऑफ कम्बस्शन कम्बस्शन मतलब होता है क्या होती है उसके बारे में जानते कम्बशन इज अ प्रोसेस ऑफ अ बर्निंग ऑफ ए सब्सटांस इन द प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कम्बशन में क्या होता है कि इसमें ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सबस्टांस बर्न करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ठीक है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग हीट एंड लाइट इज लाइट आर इवॉल्व जब बर्निंग होती है तो उसमें क्या होती है लाइट और हीट इवॉल्व होती है फॉर एग्जाम्पल चाकुल बर्न इन द एयर टू गिव ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट चाकोल जब बर्न करती हैं तो वो क्या देती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड देती हैं और हीट देती हैं यहाँ देख सकते हो आप कार्बन को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या मिली सी ओ टू मिली और हीट का इवोल्यूशन ओके okay? इस इंडेक्स में कुछ दी हुए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं तो क्या दिया हुआ है कार्बोनीशियस फ्यूल अंडरगो इन कम्प्लीट कम्बस्शन अमाउंट ऑफ ए और ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन मोनोक्साइड सूट वाटर शूट वाटर हीट एंड लाइट द फ्यूल अंडरगो कंप्लीट कम्बशन इन एडिक्यूट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन एंड ए फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हीट एंड लाइट कहने का मतलब यह हुआ अगर आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ किसी भी कम्बस्टेबल सब्सटेंस को अगर ऑक्सीजन नहीं दोगे तो क्या होगा वो सूट का प्रोडक्शन सूट होती है रेसिड्यू ऑफ कार्बन ठीक है या फिर क्या होगी वाटर वहाँ पे अवेलेबल होंगी ठीक है तो दीज आर दॉजेस फॉर इनकम्प्लीट ठीक है ना फर्दर देखते हैं एग्जाम्पल को तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैग्नीशियम बर्न विथ ब्राइट वाइट फ्लेम मतलब ब्राइट व्हाइट फ्लेम है यहाँ पे उसमें क्या हो रही हैं सिमिलरली नेचुरल गैस और मिथेन बर्न इन द एयर एंड अ फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एंड हीट जब मिथेन को जब बंद करोगे जो आप नेचुरल गैस होती हैं पेट्रोलियम गैस जो आप घर पर यूज करते हैं वो क्या है मिथेन ही ना है मिथेन को जब ऑक्सीजन के प्रतिशत बंद कराओगे तो उसमें कार्बन डाईआक्साइड निकलेगी वाटर निकलेगीट का इवोल्यूशन होगा ठीक है नाव मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर इट गिव ऑफ ए ब्राइट वाइट लाइट इन द फॉर्म ऑफ वाइट ग्लो जब उसको बंद कराओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या होगी एक ब्राइट लाइट देती है एंड एंड प्रोड्यूस ए वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड वो क्या करती है मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर का फॉर्मेशन करती है इन दब रिएक्शन एवेब रियक्शन में क्या होगा बर्निंग को सपोर्ट करती है मतलब ऐसे सब्सटेंस जो बर्निंग को सपोर्ट करती है दैट इज कॉल्ड कमस्टेबल सब्सटेंस कहलाती है और फ्यूल भी कहते हैं उसको लाइक ए चारकोल चारकोल एग्जांपल है नेचुरल गैस है एटसेट्रा फ्यूल में भी सॉलिड लिक्विड और गैस फॉर्म फूल थ्री स्टेट्स में भी मिलते हैं जैसे सॉलिड है कोल है लिक्विड में एलपीजी है गैस में आपका नेचुरल गैस है ठीक है द सब्सटेंस बर्न ये इट्स इग्निशन टेम्परेचर और काइंड टेम्परेचर द एग्निशियन टेम्परेचर द टेम्परेचर एट और एबव विच स्टार्ट बर्निंग मतलब ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे बर्निंग स्टार्ट हो जाए ठीक है दट इज कॉल्व कहलाती है इग्निशियन टेम्परेचर एवरी सबस्टांस है डेफिनेट एग्निशियन टेम्परेचर विच में भी एज लो एज थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड अब थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड के लिए वाइट फॉसफोरस के लिए और हाई टू सिक्सटी टू सिक्सटी डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ए रेडोरस रेड फॉस्फोरस सिंस द इनिशियन टेम्परेचर ऑफ़ व्हाइट फॉसफोरस इज टू लो दैट इज कैच फायर ऑन इवन स्लाइट हीटिंग इट इज स्टोर्ड इमर्ज इन वाटर इसलिए इसको वाटर में इमर्ज करके रखा जाता है किसको वाइट फास्फोरस लेकिन अब जब रेड फास्फोरस की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होगी काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होती है तो उसको बर्निंग करना आसान नहीं तो वहाँ पे उतने टेम्परेचर पर ले जानी पड़ेगी ठीक है रेड फासफोरस ऑन द अदर हैंड में स्टोर न ऑडरी बॉटल ऑडरी बॉटल में रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा देर इन बर्न न है बर्न ओवर कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कम्बर्शन अब कंडीशंस क्या क्या होंगे नेसेसरी फॉर द कम्बर्शन पहला थ्री कंडीशन नेसेसरी फॉर द कम्बर्शन पहला प्रेजेंस ऑफ कम्बस्टिबल सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस ऐसे होने चाहिए जो जलने के लायक हो प्रेजेंस ऑफ सपोर्टिंग ऑफ कम्बर्शन मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पर सपोर्टिंग ऑफ कम्बर्शन कहने का मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस भी होना चाहिए तब जाकर के आपका क्या, क्या होगा बर्निंग होगी थर्ड पॉइंट एंटेनमेंट ऑफ द इग्निशन और ए काइंड ऑफ टेम्परेचर ऑफ़ ए कम्बस्टेबल जब तक वो पर्टिकुलर सबस्टार्स जो भी जिस फॉर्म में हैं सॉलिड लिक्विड गैस फूएल जो हैं उनको जब तक उनके इग्निशियन टेम्परेचर तक अपना पहुँचाओ तब तक उनकी बर्निंग स्टार्ट नहीं होती ठीक है दैट्स ऑल्स फॉर द टूडेज क्लास थैंक यू हैव ए माबेल डे